पौधा चोर कहकर चिढ़ाते थे गांव वाले, जिद ऐसी की बन गया ट्री मैन। राजस्थान के विष्णु लांबा ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया है, पौधे लगाना, औरों से लगवाना, आबोहवा को दुरुस्त बनाने के लिए जो ज़रूरी है करते रहना। ट्री मैन के नाम से मशहूर हो गए हैं, 250 से ज़्यादा हस्तियों से पौधे लगवा चुके हैं। इनमें हीरो हीरोइन नेता अफसर तो शामिल है ही, डाकुओं से भी भलाई का काम करवा चुके हैं। श्री कल्पतरु संस्थान के नाम से संस्था बना रखी है, 23 राज्यों में मुहिम चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में चंबल जाकर बीहड़ को हरा भरा बनाने की कोशिश भी जारी है। 18 साल से रोज़ एक पौधा लगा रहे हैं। विष्णु ने बताया कि मुझे बचपन से ही पौधे पसंद है। माँ के साथ पानी भरने जा रहा था तब पड़ोसी के घर से पौधा उठा लिया। सालों तक गाँव के लोग मुझे पौधा चोर कहकर चिढ़ाते रहे। आज भी मेरा जुनून कम नहीं हुआ। मेहनत यहाँ तक पहुँच गई है कि ट्री मैन के नाम से जाना जाता हूँ। 2 साल पहले बीमार होने की वजह से 10 दिन तक पौधा नहीं लगा पाया था। 11वें दिन 11 पौधे लगाए। 2012 में किया गया कारनामा रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। 11,111 पौधे एक साथ लगवाए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक को अपने अभियान में शामिल किया है। काम भलाई का है इसलिए कोई इनकार नहीं करता। 200 विधायकों से पौधे लगवा चुके हैं। शूटिंग के लिए जयपुर आई अभिनेत्री नंदिता दास से भी पौधारोपण करवाया था। अभिषेक बच्चन से भी मिल चुके हैं। जिस हस्ती से पौधा लगवाते हैं उसका नाम अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं ताकि औरों को जागरूक कर सकें। बच्चों की खुशहाली के लिए भी काम करते हैं। पिछली संक्रांति पर चीनी मांझे के खिलाफ भी अभियान चलाया था। उनकी संस्था अब तक 5.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुकी है। छोटे भाई की शादी की खबर विदेशी अखबारों में छपी थी। वजह यह थी कि हमने दहेज लेने से इनकार कर दिया था। समधी ने 2 ट्रैक्टर पौधे भिजवाए थे। रिश्तेदारों से कहा था कि गिफ्ट में पौधे लेकर आए। पूरी शादी आबोहवा के नाम कर दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबर छपी थी। तो ये थी कहानी राजस्थान के विष्णु लांबा की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रकृति के नाम कर दी है और वो हर रोज़ एक पौधा लगाकर प्रकृति के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।